खेत के साथ कहना पड़ रहा है, किसानों के साथ बहुत धोखा है, किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि सारी संपदा किसान कल्याण योजना की यहीं पर लगा दी जा रही, गाँव में नहीं पहुँचती, न गाँव में पहला अब खेती को दर्जा जो है न उद्योग का धंधा है न किसी का है। और हमारा जो जिस तरह से कंपनी खाद अपनी कीमत देती है, कीमत अपना बनाती है, तो किसान अपने उपज का मूल्य नहीं तय कर पाता, यह धोखा किसानों के साथ सरकार कर रही है, प्रथम सरकार है। और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं उनसे सारा पैसा 80 करोड़ रुपया यहाँ पर लागत लगाई गई है। और ये DAP की खाद हो चाहे यूरिया खाद हो, अब 45 बोरी कर दिया जा रहा है, 5 किलो कम। दूसरी बात है, दाम बढ़ाया गया है, खाद का दाम किसानों का बढ़ाया गया है। और यह धोखा नहीं है तो फिर क्या है, 50 किलो वजन का 45 किलो कर दिया गया। और ये जब सारा धन यहाँ पर दिल्ली के पूसा मैदान पर लगाया जा रहा है, ये किसानों का पैसा है, किसान कल्याण योजना किस लिए लगाई गई? ये योजना हमारी गांव में होनी चाहिए, न कि शहर में होनी चाहिए, ये योजना हमारे गांव में होनी चाहिए, गरीब किसान तक पहुंचनी चाहिए। जसरा इलाहाबाद से आए हैं मेले में, तो हम ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेले में जो ये सब पंडाल लगाए गए हैं सब किसानों के हित के लिए ज़्यादा नहीं है। ये जो अभी किसान भाई कह रहे थे कि ये सब मेला अगर गांव में लगाया जाए तो कुछ किसान प्रोत्साहित हो, और जहां तक ये सरकारों की बात है तो सरकार तो किसानों को एकदम नीचे धरातल में गाड़ दिया है। इस किसान मेले को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2022 तक किसानों को आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जो कृषि निवेश है, कृषि यंत्र हैं, बीज हैं, और अभी हाल में सरकार ने DAP के दाम बढ़ा दिए, और सरकार यूरिया का दाम तो नहीं घटाया लेकिन यूरिया की बोरी का वजन 50 किलो की बजाय 45 किलो का कर दिया, उससे प्रतीत होता है कि कृषि निवेशों में लगातार महंगाई होती जा रही है, वहीं किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, जिससे 2022 तक किसानों की उपज दोगुनी करना संभव, किसानों की आय दोगुनी करना संभव नहीं होगा। मोदी जी बोलते हैं कि हम आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी कैसे करेंगे ये तो किसान कर सकता है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं उनकी महंगी हो जा रही है, तो किसान आय दोगुनी कहाँ कर सकता है? इनका कोई फार्मूला तो है नहीं, केवल चुनावी फार्मूला है कि हम 2019 में तो नहीं का 2019 तक तो हम नहीं कर पाए, अब 2019 को देखते हुए हम 2022 का बहाना लेकर के हम किसानों को बेवकूफ़ बना करके उनके वोटों को लेकर के और हम दो आय दुगने करने की बात करते हैं। अगर आपको आय दुगना करना हो तो आपको फार्मूला किसान के सामने पेश करना चाहिए कि आपका क्या फार्मूला है, किस फार्मूले के तहत आप जो है 2022 तक जो है किसान की आय दुगना करेंगे। फार्मूला बता नहीं रहे हैं, केवल 2022। देखिए, हम UP से हैं, इलाहाबाद, तो हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं वो किसान के लिए क्या कर रहे हैं। खाली उद्योगपतियों का मेला है, उद्योगपतियों के लिए सुविधा है, किसानों के लिए कुछ नहीं।